हे नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो की जो रिसेंट स्टोरी चल रही है। आई नो बहुत टाइम हो गया है यार, मतलब बहुत ही स्लो चल रही है ये वाटर वाली स्टोरी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि पानी की किल्लत के चलते, जैसा कि तारक मेहता शो में अनुमान लगाया जा रहा था कि रात तक तो पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अब वो पाइपलाइन ठीक नहीं होने वाली रात तक। तो यहाँ पर सभी सोसाइटी में पानी की किल्लत होने वाली है और सभी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक डिसीजन लिया जाता है कि तारक मेहता के ऑफिस का जो गेस्ट हाउस है वहां पर सारे गोकुलधाम वाले रहने के लिए चले जाते हैं, भाई वहां पर पानी का यूज कर लेंगे। तो सारे गोकुलधाम वाले अपने सारा सामान लेकर चल पड़ते हैं तारक मेहता के ऑफिस के गेस्ट हाउस की तरफ। तो बस यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि क्या वो सच में गेस्ट हाउस जाने वाले हैं। उनका इंटेंशन तो यही रहेगा कि वो गेस्ट हाउस जा रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि उससे पहले ही जो पानी की मुसीबत है वो ठीक हो जाए। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इनका उद्देश्य मेन यही सिखाना था कि पानी की अहमियत को हमको समझना चाहिए, और आई थिंक वो पूरा हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्टोरी को उतना ना खींचा जाए जितना कि हम इमेजिन कर रहे हों। और जैसे ही सभी गोकुलधाम वाले तारक मेहता के गेस्ट हाउस पर जा रहे हों तभी वो पाइपलाइन के ठीक होने की न्यूज़ आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। लेकिन अगर सभी लोग तारक मेहता के ऑफिस के गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं तो ये स्टोरी अभी नहीं खत्म होने वाली, ये स्टोरी जाएगी काफी लंबी जाएगी। तो बस मुझे तो यही लग रहा है, आपके क्या विचार है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।